मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल लवर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं मौजूद हूँ राज के अंदर और जा रहे हैं शिकार पे। आप जब तक यहाँ का व्यू देखें, व्यू तो व्यूअर्स व्यू आप देख रहे हैं। यहाँ पे आने से पहले मैंने खड्डा मार्केट से शिकार के लिए कुछ झींगे वगैरह ख़रीदे जिनसे मुझे शिकार करना है, और कुछ हुक्स वगैरह लिए वहीं खड्डा मार्केट पे थे। तो मैं उसके क्लिप भी इसी में ऐड कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से हुक लिए। तो आप देखें, हुक्स मैंने ले लिए और नंबर है 14 ओनली 70 रुपीज़। तो दोस्तों, ये खड्डा मार्केट, यहाँ ये एक ही शॉप नहीं, इस किस्म की कई शॉप्स मौजूद हैं। आपको हुक्स और फिशिंग का सामान बआसानी मिल जाएगा। और ये है फिश मार्केट खड्डा मार्केट की, यहाँ से आपको झींगे ताज़े मिल जाएंगे। आपको झींगे केमाड़ी से भी मिल जाएंगे, लेकिन ये खड्डा मार्केट टावर के करीब है, तकरीबन 2 मिनट की मुसाफत के ऊपर। यहाँ से आपको ताज़े झींगे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं केमाड़ी पर शिकार के हवाले से। अगर आप यहाँ शिकार के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपकी जेब के अंदर ओरिजिनल आपका NIC होना लाजमी है। तो दोस्तों, NIC आप डेट देख लें, डेट जो है एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। अगर डेट एक्सपायर होती है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे NIC की एंट्री होती है और बिना NIC के आपको शिकार के लिए जाने नहीं देंगे। तो आपकी डोरे, आपको वक्त मिलेगा रेडी करने को, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रेडी कर रहा हूँ। तो आप लॉन्च पे पॉइंट तक पहुँचने के लिए अपनी डोरे वगैरह रेडी कर लें, कांटे वगैरह एक्स्ट्रा बांध के रख लें, क्योंकि कहीं पथरेटी होती है पानी के अंदर, हुक्स फंस जाते हैं, डोरे टूट जाती हैं। तो आप एक्स्ट्रा जो है वो हुक्स रेडी रखें शिकार के लिए। तो दोस्तों, ये चैनल आपको नज़र आ रहा है और पानी का कलर आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी देर में ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही हम चैनल से बाहर निकलेंगे, पानी का कलर जो है चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं बता दूँ कि आज दो साहबजादे, जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ मौजूद हैं। अगर ये देखें, पानी का कलर चेंज हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आपके साथ बच्चे मौजूद हैं तो लाजमी है आप उनके लिए बे फॉर्म की कॉपी लाजमी रखें, क्योंकि उसकी एंट्री होती है, क्योंकि उनका तो बच्चों को देना ऐसे ही नहीं बना होता। तो आपके पास बे फॉर्म होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जिनके NIC नहीं बने हुए उनकी भी एंट्री होती है। विदाउट एंट्री आपको जाने नहीं देंगे, मैं आपको ये इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रहा हूँ। हम अबासीन जा रहे हैं और इंशाल्लाह फुल डे इन्जॉयमेंट है, फुल डे इन्जॉय करेंगे। और जो भी शिकार लगेगा, जो भी मछली लगेगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ। हर टाइम तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक हो सकती है वहाँ तक मैं आपको दिखाऊँगा, जो मुमकिन होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो बोट के चार्जेस की बात कर लेते हैं, वो 500 से 700 होती है, जितनी दूर लॉन्च जाएगी उसी हिसाब से उसके चार्जेस होंगे। और दोपहर में आपने लंच करना है या जो भी चीज़ें खानी है, पीने का पानी है, इसी तरह की जो भी चीज़ें एंटरटेनमेंट की हैं वो आपने साथ देके जाएगा। वो बोट वाले के ज़िम्मे, नाकवा के ज़िम्मे नहीं होती, वो आप अपने साथ देके जाएंगे। दोपहर का लंच है, जो भी कुछ आपको खाना पीना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हवा तेज़ होती है तो अक्सर लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है लंच के अंदर, तो आप एंटी वॉमिटिंग टैबलेट्स जो आती हैं वो अपने साथ रखें, ताकि वॉमिटिंग होने की सूरत में आप वो खा सकें। तो दोस्तों, तकरीबन पहुँच गए, तो फिर करते हैं शिकार शुरू। बिस्मिल्लाह, ये देखो जोड़ी आई है, जोड़ी दो दो कपड़दानों की जोड़ी, माशाल्लाह। सही है, चलो भाई को नहला दिया। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। टोकरी अपनी बन गया भाई, ये देख। बिस्मिल्लाह, ये मेरे भाई ने कपड़दान मारा। रखो रखो रखो, माशाल्लाह माशाल्लाह।
यार फिर तुसा ही पहले लगती है इस तरह ना कर दियो पेन के नो पेन के नो नहीं भाई पेन दे यो एक रे बूम हो गया चला गया रे रामा तेरे पास आ गई जेली फिश को आ गई जेली फिश तू जेली फिश कितनी बड़ी है बात क्यों मार हुआ क्लास देना करता भी क्लास देना ये है कपड़तान किस बार बाप टोकरी में से प्लाज नहीं बनाना इसका जी मछली पकड़ के बयान दे माचाल आता आते नहीं लगती है जो तू यार लांग तो पेन के थे ना पेन है देख पेन नल कटो उसने पकड़ो वो खून आ गया ने आइए देखो भाई कोई आया ये आई जोड़ी कपड़तान की जोड़ी माशाल्लाह कपड़तान की जोड़ी आ गई है माशाल्लाह और ये गई टोकरी में वो वीडियो बना लो भाई हमारा वीडियो नहीं बनाओ हम लेटे रहो तुम्हारा रंग भी पीला हो गया और छोटे का भी रंग पीला हो गया पॉपलेट बेहतरीन डॉट कैसे बने हुए देखो सूरत माशाल्लाह जबरदस्त ये भाई ने भाई ने निकाला एक और कपड़दान माशाल्लाह तो दोस्तों शिकार जारी है यार डामा डामे का भट्टा आनस ये माशाल्लाह मुश्का आ गया भाई नबड़ा हो गया भाई माशाल्लाह एक और गेंगड़ा गेंगड़े ही आ रहे हैं मारा भाई बंगला बंगला जबरदस्त प्रधान माशाल्लाह क्या हो गया भाई ये टेंशन दल भी आंदे दो दो मुल्ला के पट्टे माशाल्लाह एक और मुल्ला का पट्टा आ गया भाई माशाल्लाह जोड़ी आई है जोड़ी
माशाल्लाह दो कपड़दानों की जोड़ी माशाल्लाह भाई ने कपड़दान मारा जबरदस्त। एक और कप्तान माशाल्लाह जबरदस्त पार्टी जा रही है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह एक मुल्ला एक कप्तान आई निकल गई आ गया मुल्ला ने मांग रहा था आ गया मुल्ला के पट्टे आ रहे हैं माशाल्लाह यहाँ पे भैया कोई ईमान का सवाल करता अपने आई जोड़ी कपड़दान की जोड़ी माशाल्लाह यार डामा डामे का भट्टा खाने वाला नहीं है ना ये खाने वाला है जी नहीं भाई माशाल्लाह दो दो ब्लैक डामे माशाल्लाह भाई ने डामा मारा डामा बेहतरीन दूसरी भाई की डोर भी साथ आ गई माशाल्लाह कप्तान ऐसे तो ना करो यार कौन निकला है।
गेंगला माशाल्लाह भी माशाल्लाह कब्रिस्तान मारा भाई ने। अच्छा खाने की बाकी ये पानी में डाल दे बेटा। सफर है वापसी का, सारा दिन हमने फुल टाइम मजा किया, फुल टाइम एंजॉय करा, फिशिंग करी, खूब मजा करा। और आज मेरे दो साहबजादे मेरे साथ थे अनास और बाहर, आज इनकी तबीयत भी थोड़ी डाउन गई लेकिन शिकार हमने करा बेहतरीन और फुल डे इंजॉयमेंट करा। संडे हमने फुल डे इंजॉयमेंट करा। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा अपने कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।